हे हाय, मेरा नाम डॉक्टर अभिन गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है ये एक मस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एक झकास प्रोडक्ट लेके आया हूँ विच इज अ शैम्पू। अब आप बोलोगे शैम्पू तो बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ बट इस शैम्पू में खासियत क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूंगा मेरे बालों की कंडीशन, हमारे बालों का थोड़े बालों के बारे में बता दूंगा आपको। तो हमारे बालों का पीएच होता है 5.3 to 5.5। तो जब हम कोई भी शैम्पू अप्लाई करते हैं बालों के रूट्स में और बालों को क्लीन करने के लिए कोई भी शैम्पू अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो होता है अल्कलाइन। तो वो बालों से डस्ट को और डर्ट को और गंदगी को निकालने के लिए यूज होता है। जब वो अल्कलाइन नेचर का होता है तो वहां से पूरी गंदगी को साफ कर देता है जो कि सुपरनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो रिमूव कर देता है। अब जब हमारे बालों का पीएच 5.3 to 5.5 होता है विच इज एसिडिक और जब हम कोई अल्कलाइन चीज लगाते हैं तो हमारे बालों का जो एसिड मेंटेनेंस को ब्रेक कर देता है। जब हम शैम्पू करते हैं तो उसके बाद हम जब शैम्पू करके बाहर आते हैं तो हमारे बाल बड़े रफ रफ से हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सोप यूज करते हैं बालों में या इस टाइप की चीजें यूज करते हैं उनके साथ ही बहुत दिक्कत होती है, सबको पता ही होगा। इसको दूर करने के लिए कंपनी वाले लेके आए कंडीशनर। अभी कंडीशनर क्या करेगा, वो एसिडिक होता है, वो 5.5 जो पीएच होता है उसको मेंटेन कर देता है। हमारे बालों का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, उसका फायदा ये होता है कि कोई भी बाहर के बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन है वो इन्वेड ना कर पाए, इसलिए हम उसको हमारे कुदरत ने हमारे स्किन के और बालों के पीएच को वैसा बनाया है। बट हम अपने सुंदरता को बरकरार रखने के लिए और सुंदरता को एनहेंस करने के लिए हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो उसको कहीं ना कहीं स्प्रे करती है। तो उसको वापस सही करने के लिए दूसरी कंपनियों ने और नई नई चीजें बना के लाए कि भैया पहले शैम्पू करो उसके बाद कंडीशनर करो। इसलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ना आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई फीज हो जाएंगे। बट ये अब आपको पहले शैम्पू लगाओ, 2-4 मिनट शैम्पू लगाया, उसको वॉश किया, फिर आपने कंडीशनर लगाया, फिर 2-4 मिनट वेट किया, फिर वॉश किया, और दो दो चीजों को लगाने से अच्छा है कि मैं आपके पास जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ इस शैम्पू एंड कंडीशनर 2-in-1 और वो भी टोटली हर्बल। गाइज ये बेरी लश शैम्पू है विच इज 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर ऑल इन वन। आपको सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है, आपको बार बार अप्लाई नहीं करना है, आपके बाल को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देगा। तो ये आपके बाल को एकदम, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेंसिव स्मूथ थेरेपी, इसमें लिखा भी है कि इट्स इंटेंसिव स्मूथ थेरेपी और हेयर लॉस को भी, हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी कंट्रोल करेगा। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर रसबेरी है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, मलबेरी है, ब्लूबेरी है एंड इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो क्या डैंड्रफ के करके मार देगा। तो हमें पता है एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो बहुत हेल्प करता है डैंड्रफ को खत्म करने के लिए और बालों के कोई भी इन्फेक्शन उसको खत्म करने के लिए, स्कैल्प के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। बट 10 चीज़ें क्यों अलग अलग से लगाना जब ऑल इन वन शैम्पू है जिसमें आपको सारे हर्बल प्रोडक्ट के इफेक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक आपको रसबेरी का, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ये सारे आपके जो नेचुरल फॉर्मिंग है जो आपके नेचुरली आपके स्कैल्प को स्टिमुलेट करेंगे हेयर ग्रोथ के लिए और फॉलिंग को भी कंट्रोल करेगा और बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की बना देगा। अगर आपके ड्राई फिजी हेयर हो रहे हैं और आपको बालों को बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं, आपके हाथ फेरते पटक रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस शैम्पू को यूज़ करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मैंने एक बार लगाया था बट मेरे साथ दिक्कत यह है कि मुझे सिल्की बाल ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे बाल ऑलरेडी बहुत सिल्की है तो मैं स्प्रे मार के रखता हूँ और मैं कुछ कुछ चीज़ें लगाता हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े स्ट्रांग रहें, खड़े रहें, ताकि खड़े रख सकूँ। बट जिनको बाल सिल्की पसंद है, जिनके बाल सिल्की नहीं हो रहे हैं गाइज, उनके लिए शैम्पू एक वरदान है जो कि ओसिलिवा कंपनी का शैम्पू बैरीलेस शैम्पू है और ये आपको मिलेगा oceanbeauty.com पे। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो और वहाँ पे बहुत सारे कूपन्स कोड चलते रहते हैं और आपको डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आप जाके उसको परचेस कर सकते हो। इतनी बड़ी बॉटल है, अपने बालों के लिए इतना सब कर सकते हो। तो बार बार 10 चीज़ें लगाने से अच्छा है कि कभी आप एप्पल साइडर विनेगर लगा रहे हो, कभी आप शैम्पू लगा रहे हो, कभी कंडीशनर लगा रहे हो, आप इसको यूज सिंपल एक चीज़ को यूज़ कीजिए जो आपको सबका इफेक्ट देगी ऑल इन वन। तो वे क्या करो, फटाफट जाइए इसको परचेस कर लो और फिर मुझे यूज़ करके बताइएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट का कैसा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।